अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ आयशा राहिल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप लोगों की उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज ही हम तीन चार काम करने वाले हैं। आज मेरा शूट भी है, शूट भी करेंगे, एक प्रोडक्ट का रिव्यू दूंगी और साथ अफ्तारी भी बनाएंगे। अफ्तारी में आज मैंने सोचा है कि मैं बनाऊँगी बीफ कढ़ाई और मिंट मार्गरिटा, दही बल्ले और एक मीठा सोचा है जो कि ऑप्शनल है, अगर टाइम मिल गया तो उसे बना लेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। अच्छा, मिंट मार्गरिटा के लिए ये मैंने पुदीना काफ़ी सारा मंगा लिया, पुदीना, धनिया और सब्ज़ी भी आ गई है ताज़ा ताज़ा। मिंट मार्गरिटा के लिए कोशिश कीजिए कि आप धनिया जो है ना वो ताज़ा इस्तेमाल कीजिए बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैंने प्याज और टमाटर को ना थोड़ा सा बॉईल करने के लिए रख दिया, ठीक है। मैं कढ़ाई बना रही हूँ, बॉईल करने के बाद ना इसको फिर अपने अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना है। तो कढ़ाई जो है ना, वैसे मैं जब भी बनाती हूँ सिंपल सी बनाती हूँ, उसमें प्याज वगैरह नहीं डालती, टमाटरों को और ना अदरक लहसुन के साथ जो है ना मैं चिकन कढ़ाई वगैरह बना लेती हूँ। लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट थी, इसमें मैंने ये सब ग्राइंड कर लिया था। यहाँ पर मैंने गोश्त को ना पहले से बॉयल करके रख लिया है, हल्दी के साथ गला लिया था। अब यहाँ पर मैं अपना होम मेड अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, हरी मिर्चें डाल रही हूँ और घी डाल चुकी हूँ मैं इसमें, ठीक है। थोड़ा सा पका रही हूँ। इसके बाद जो है ना ये पुदीना जो है ना मैंने मिंट के लिए धो मिंट मार्गरिटा के लिए धो के रख लिया, सुखा के रख लिया। अच्छा, वो जो पेस्ट है मैंने डाल दिया। यहाँ पे मुझे टमाटर थोड़े से कम लग रहे थे, फिर जो मैंने क्यूब्स टमाटर बना के रखे थे ना वो दो क्यूब डाल दिए थे। सारे मसाले मैं डाल रही हूँ। मैं आपको पता है कि मुझे ना कुकिंग का बहुत शौक़ है, इसलिए मैं हर चीज़ कोशिश करती हूँ कि मैं घर में ख़ुद बना के रखूँ, कोई भी आर्टिफिशियल मसाला मसूला कुछ भी नहीं है, सब मैं जो है ना ख़ुद बना के रखती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें घी मसाला भुन रहा है। यहाँ पे घी जब तक ऊपर नहीं आता तो मसाला, यही मसाला मसाले का है कि घी ऊपर आ गया तो हमारा मसाला तैयार है। यहाँ पे मैंने विस्क की हुई योगर्ट डाल दी है। विस्क की हुई योगर्ट डाला करें, अगर हम ऐसे ही डाल देंगे तो उसकी फुटकियाँ बन जाती हैं तो वो सालन में अच्छी नहीं लगती, ठीक है। जो सब्ज़ी थी वो मैंने साथ साथ फ्रिज में रख दिया था। और यहाँ पे जो प्याज है ना मैंने टोकरी में डाल के रख रही हूँ। सारी जो है ना, अब जो मेरा सालन है ना वो तकरीबन तैयार हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने शूट के लिए ना मैं आलिया भट्ट का जो है इंस्पायर्ड वेडिंग लुक कर रही हूँ, जो उसने अपनी वेडिंग में पहना था। और यहाँ पे ज्वेलरी भी मैंने निकाल रही है, ज्वेलरी का जुगाड़ करना है मुझे कैसे भी करके इस लुक के लिए। हेलो, शूट हो गया है मेरा ख़त्म। आलिया भट्ट का इंस्पायर्ड वेडिंग लुक किया था मैंने और ज्वेलरी का जुगाड़ बहुत मुश्किल से कर ही लेती हूँ मैं, करती ज़रूर हूँ, क्योंकि इतनी महंगी ज्वेलरी अफोर्ड नहीं होती कि हर लुक के लिए बंदा ज्वेलरी लेता फिर। अब ये जो था ना, ये था मेरा एक नेकलेस। वो नेकलेस मैंने ऐसे इसको, क्योंकि आजकल ये माथा पट्टी इस तरह से लगाई जा रही है सर के ऊपर, तो एक नेकलेस था मेरे पास तो उसको मैंने ऐसे लगा लिया। और फिर मैंने नीचे जो है ना, ये जो मेरे पास ज्वेलरी पड़ी थी उसको जैसे तैसे करके एक्सेसराइज कर लिया, लुक कंप्लीट कर लिया है जी। अब जो है ना ज्वेलरी रिमूव करती हूँ और फिर जो है ना मैं आपको डेमो देती हूँ। मेरे पास है रिमिंगटन का प्रोफेशनल कर्लिंग वैंड, इसको ओपन करेंगे। काफ़ी अरसे से मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने सोचा था आप लोगों के साथ जो है ना मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगी। तो पहले ज्वेलरी रिमूव करते हैं फिर अनबॉक्सिंग करते हैं। अच्छा जी, जो मुझे ज़्यादा तंग कर रहा था ना मैंने उसको उतार दिया है, फिर ये बाद में उतारेंगे, ये तंग नहीं कर रहे। तो जी अब जी है ना मैं रोमिंगटन का आपके साथ अनबॉक्सिंग करने लगी हूँ सिल्क कर्लिंग वैंड की। इसे मैंने बाय किया था, जो कि मैंने आपको अपने व्लॉग में बता दिया था कि मैंने इसे बाय किया है अलफते लाहौर से। ये था 8,200 रुपीज़ का। तो अब इसे को खोलते हैं, हम देखते हैं कि किस तरह का है ये। देखिए आपके सामने इसे ओपन कर रही हूँ। अच्छा जी, तो ये दिखता है कुछ अंदर से इस तरह। देखिए अंदर बिल्कुल पैक है, इसे मैंने नहीं निकाला। अब इसको निकालते हैं हम। ये यहाँ से ओपन हुआ। ये है जी इसकी बुकलेट। बुकलेट बहुत ज़रूरी होती है हर चीज़ की, क्योंकि उसके चलाने का तरीका, उसको ऑन करना, वर्किंग में लाना जो है ना बुकलेट से। वैसे तो अब इंटरनेट में बहुत नॉलेज है, अगर बुकलेट ना भी हो तो इंटरनेट से गुजारा हो जाता है, ठीक है। अब इसको मैं खोलती हूँ, ओपन करती हूँ। ये होते हैं जी साथ इसके ग्लव्स, क्योंकि इसका जो वैंड है, ग्रॉड है ना, बहुत गर्म हो जाता है तो उससे पकड़ना जो है ना बहुत मुश्किल होता है। मेरे पास रोमिंगटन का स्ट्रेटनर है, उसके साथ ग्लव्स नहीं था, लेकिन उसके साथ ना इस तरह का उसका
पाउच था, कवर था, जिसमें उसे रख सकते थे, लेकिन वो आजकल मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ है, किसी जगह पड़ा है, मुझे मिल जाना है लेकिन अभी नहीं मिल रहा। ठीक है, ये है जी इसका कवर, जब हम इसे यूज़ करके इसके अंदर कवर करके रखेंगे। ठीक है, ये है इस तरह का वैंड कर्लिंग। ठीक है, कि इसके जो ना बॉक्स के ऊपर ही लिखा हुआ है सब कुछ, स्पीड 30 सेकेंड स्पीड है, मतलब 30 सेकेंड के अंदर अंदर ये गर्म हो जाता है, फास्ट 30 सेकेंड हीट अप लिखा हुआ है, डिजिटल डिस्प्ले है 120 to 220 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इसकी हीट की एक लिमिट दे दी है कि ये 120 से 220 तक जा सकता है, मतलब आप कर्ल्स जो है ना नीटनेस ला सकते हो कर्ल्स में। कोटिंग है फॉर सिल्क की स्मूथ रिजल्ट के लिए, इसकी जो कोट की हुई है ना ऊपर वैंड के, वो सिल्क सिरेमिक है, ताकि आप जब अपने बाल कर्ल करो तो अगर आपके बालों में आपने कोई शाइनर नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं लगाया, तो इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो भी सिल्की स्मूथ आपके बाल हो जाएंगे इससे। ठीक है, कॉनिकल बैरल है फॉर लग्जरियस स्पायरल कर्ल्स, इनसे जो कर्ल्स आपको हासिल होंगे वो स्पायरल कर्ल हासिल होंगे। कॉनिकल बैरल, ये कॉनिकल कोन शेप का जो है ना इसका बैरल है, इसलिए स्पायरल कर्ल इससे मिलेंगे आपको। ठीक है, 1 ईयर वारंटी के साथ है ये, इसकी जो वारंटी है वो 1 ईयर है। तो अब जो है ना मैं इसको ऑन करके देखती हूँ और फिर आपको अपने बाल स्टेप बाय स्टेप इससे कर्ल करके दिखाती हूँ, देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा जो है ना। ये मैंने इसको ऑन कर लिया है और इधर जो है ना इसका लॉक लगा हुआ है, ये देखें शायद आपको नज़र आए अंदर से, ये लॉक लगा हुआ है। अब ये जो है ना बटन, इसे हमने प्रेस करना है और इस लॉक को हमने ख़त्म करना है। ठीक है, अब ये 180 पे हुआ है। ठीक है, आप चाहो यहाँ से ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ से कम हो जाएगा, आपका प्लस माइनस से आप इसी को मुराद ले सकते हो कि ज़्यादा करना है या कम करना है, ये आपकी नीड पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैं 180 पे ना हम इसे करते हैं। अगर आपने किसी चीज़ को टेस्ट करना हो ना, तो किसी चीज़ को टेस्ट करने का तरीका ये है कि उसे खाली अप्लाई करो और देखो उसका रिज़ल्ट कैसे आता है। तो हम इसको खाली अप्लाई कर रहे हैं, कोई इसकी ज़रूरत की चीज़ हम नहीं ले रहे। ठीक है, देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है इसका। ग्लव्स मैंने इसके साथ नहीं पहना है, ये देखें, सिर्फ इसको मैं रफली कर रही हूँ अभी आपको दिखाने के लिए कि इसके कर्ल्स आते किस तरह के हैं। 10 सेकंड तक रखना है ताकि इसका रिजल्ट तो हमें मिले। स्पायरल कर्ल्स, इसको हम स्पायरल कर कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत स्पायरल कर्ल जा रहे हैं इससे, बगैर अभी हमने इस पर कोई स्प्रे नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, इसको ऐसे ही सेट किया। देखिए आप चाहो तो बाल अपनी मर्ज़ी से ले सकते हो जितने आपने लेने हैं, छोटे कम लेंथ में लेने हैं तो कम ले लें, ज़्यादा लेने हैं ज़्यादा ले लें, मैं यहाँ पे ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी है और रफली है, मतलब मुझे कहीं जाना नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए आपको मैं इस तरह कर रही हूँ। ये देखें, एंड में मैं इसको ना ब्रश करके दिखाऊंगी, अगर आपने इसको खोलना है तो आप खोल सकते हो, अगर आपने इसको ऐसे रखना है तो ऐसे ही रख सकते हो। अब मैं थोड़ी सी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करूंगी या ऑफ़ दी कैमरा, इस साइड को मैं ऑफ़ दी कैमरा करूंगी, इसको फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने कर ली हैं कर्ल्स, मैंने बहुत रफ की हैं लेकिन इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। अभी आप चाहो तो इसको ऐसे वॉल्यूम के लिए इनको खोल सकते हो, ये देखो, अगर आपको वॉल्यूम चाहे तो ऐसे ही रख सकते हो एज़ यू विश। अच्छा जी, तो अब जो है ना हमारा, आपको पता था सालन पक गया था और अब जो है ना मेरा मिंट मार्गरिटा रहता है और दही बल्ले रहते हैं, वो हम बनाएंगे। मैं रोज़े के साथ हूँ लेकिन थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद जो है ना मैं मिंट मार्गरिटा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मीठा जो है ना आज हम नहीं बनाएंगे क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, थोड़ा सा मुझे रेस्ट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट हम सेगमेंट में। अच्छा, यहाँ पे मिंट मार्गरिटा तैयार करने लगी हूँ। मिंट डाल के मैंने चीनी डाल दी है, काला नमक, दूसरा वाला नमक और ना लीमू डाला है और क्यूब्स डाले हैं। हमने इसमें पानी नहीं डालना, हमने इसमें सेवन अप डालनी है। अगर आपके पास सेवन अप है सेवन अप डाल दें, स्प्राइट है स्प्राइट डाल दें और फिर इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है। मैं इतना शौक से पीती नहीं हूँ इसलिए मैंने
ये थोड़ा ही राहिल के लिए बनाया, अपने लिए मैंने कोक रख दी थी। ठीक है, पेड़े करके रख ली हैं, रोटियां बना ली हैं, साथ साथ रोटियां बनाती जा रही हूँ। चूल्हे से मैं अपने बहुत तंग हूँ क्योंकि अब ये बहुत कालक देने लग गया चूल्हा, और मेरे जो बर्तन है ना वो सारे काले हो जाते हैं। सिलेंडर है क्योंकि गैस हमारे पास नहीं है, तो ये चूल्हे को अब मैंने ठीक करवाना है, अभी तो इसी से गुजारा कर रही हूँ। ठीक है, ये भी मैंने अपने होम मेड जो है भल्ले तैयार करके रखे हैं, इन्हें फ्रीज़र में डाल रखा होता है, फ्रीज़र से निकाला है, इनको पानी में डाल के, और जो रोल है ना ये भी मैंने घर में बनाए हुए हैं। ठीक है, नूडल्स वाले रोल मैंने बनाए थे। ठीक है, ये मैंने पानी में इनको डाला है, ये नरम हो गए हैं। दही जो है मैंने बना लिए, दही के अंदर मैंने थोड़ी सी क्रीम और दूध डाल दिया है। ठीक है, ये देखें दही बल्ले मेरे तैयार हो गए हैं। चने, आलू, सब कुछ जो है ना मैंने घर में बॉयल करके रखा है। तो ये थी जी आज की वीडियो, ये मेरी इफ्तारी तैयार हो गई। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंटेंट के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।